हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अतिथि शिक्षक से संबंधित एक अपडेट जारी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। 17/10/2023 का ये आदेश है। यहाँ पर आप देखेंगे, नियमित शिक्षकों की उपस्थिति उपरांत अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के संबंध में उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के अनुसार नियमित शिक्षकों की उपस्थिति उपरांत आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन मेल जनरेट कर कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए थे, जो कि संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षकों के जीएफएमएस से कार्यमुक्त नहीं करने की कार्रवाई की अनियमितता का द्योतक बताया गया था एवं 2 दिवस के भीतर कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए थे। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 अनुसार उक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 1 में दिए गए निर्देशों को क्रियान्वयन आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था, यानी कि अतिथि को कार्यमुक्त न किया जाए, वो आदेश जो है स्थगित कर दिया गया था अगले आदेश तक। अब आगे देखें, अर्थात स्पष्ट किया जाता है कि नियमित शिक्षकों की उपस्थिति उपरांत आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में भौतिक रूप से कार्यमुक्त कर दिया जाए, किंतु जीएफएमएस पोर्टल से कार्यमुक्त नहीं किया जाए, अतः उस निर्देश अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यहाँ पर कहा किया जा रहा है कि भौतिक रूप से, यानी कि आप बिना पोर्टल अपडेट किए उन्हें कार्य मुक्त कर दें, लेकिन पोर्टल पर उनका नाम बना रहेगा, यानी कि वो स्कूल से कार्य मुक्त भी हो गए लेकिन पोर्टल पर वो अपडेट नहीं किया जाएगा, वहाँ पर अतिथि शिक्षकों के नाम बने रहेंगे। तो दोस्तों, भौतिक रूप से जो है अतिथि शिक्षक कार्य मुक्त हो जाएंगे, लेकिन पोर्टल पर उनके नाम हमेशा के लिए एक तरह से अमर हम मान के चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें कार्य मुक्त करने की अपडेट उसमें नहीं की जाएगी, क्योंकि पहले ये आदेश जारी हो चुका है कि जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें कार्य मुक्त ना किया जाए आगामी आदेश तक। अब भौतिक रूप से कर दिया जाएगा लेकिन पोर्टल पर उनके नाम ऐसे की ऐसे बने रहेंगे। तो ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।